दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 26 अगस्त 2021 को जो VC होने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। उस पर क्या क्या एजेंडे रखे हैं, जिससे कि हम सारे एजेंडे में के अनुसार हम अपनी ग्राम पंचायत में पूरी तैयारी कर रखें कि जब भी हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहें, ठीक है, और बता सके जानकारी। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव द्वारा साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 26/8/2021 हेतु एजेंडा, ठीक है, समय रहेगा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। CM हेल्पलाइन सबसे पहला मुद्दा रहेगा दोस्तों, यह रहेगा 10:30 से पूर्वान्ह 10:30 से 11 बजे तक। समाधान ऑनलाइन हेतु चयनित विषय की समीक्षा, जुलाई माह में डी एवं सी ग्रेड प्राप्त जिलों की समीक्षा, जुलाई माह में 35% से कम संतुष्टि वेटेज प्राप्त जिलों की समीक्षा, फिर जुलाई माह में ही नॉन अटेंड शिकायतों की समीक्षा, ठीक है, जो कि अटेंड नहीं किए हो CM हेल्पलाइन की शिकायत, उन पर भी चर्चा होगी, समीक्षा होगी। ग्रेडिंग के समय तुलनात्मक शिकायतों में कमी की समीक्षा, फिर दूसरा पॉइंट है ग्रेडिंग माह जुलाई 2021 पर चर्चा, पूर्वान 11 बजे से 11:15 बजे तक, ठीक है, 11:15 बजे तक। फिर तीसरा है पंचायत राज संचालनालय की जो रहेगी 11:15 से 11:45 बजे तक, DPDP मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान और ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान DPDP एवं DPDP 21/22 को अपलोड करने पर इस पर चर्चा होगी, ठीक है। ब्लॉक और जिले लेवल पर NPS की समीक्षा होगी, नेशनल पेंशन स्कीम जो कि अधिकतर जिलों में लागू हो चुकी है, हर कर्मचारी की अधिकारीगण की उसमें अभी हुई है या नहीं उस पर समीक्षा, बकाया विद्युत देयकों के भुगतान की समीक्षा, यदि कहीं बिजली के बिल देयक अभी भुगतान के लिए रह गए हैं तो उनकी समीक्षा, भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृति व निर्माण की समीक्षा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले आदेश दिखाया था कि 15वें वित्त आयोग से हमें सबसे पहले पंचायत भवन ही लेना है, वो आदेश में आया भी था, तो यदि पंचायत भवन नहीं है तो उस पंचायत में सबसे पहले पंचायत भवन ही लेना, तो उसी पर चर्चा होगी कि भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृति व निर्माण की समीक्षा, ठीक है, स्वीकृत हुआ है या नहीं और निर्माण हुआ है तो कहाँ तक हुआ है, ठीक है। सिटीजन चार्टर की समीक्षा, जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख कर अभी जो मैंने बनाया है सभी सिटीजन चार्टर पर, कि उसमें सारी प्रोसेस आपने स्टार्टिंग से लेकर लॉगिन से लेकर फीडबैक तक कर चुके हैं या नहीं उस पर होगी। यदि अभी भी आपने नहीं किया तो आप मेरे वीडियोज़ देख कर सकते हैं सिटीजन चार्टर पर कार्य, सिटीजन चार्टर की समीक्षा, करारोपण ऑनलाइन की समीक्षा, ठीक है, कर से संबंधित जो हम बात करते हैं उस पर कर लगाए गए हैं या नहीं, ठीक है, ऑनलाइन जो कर लगाए पंचायत दर्पण पोर्टल इन पर, तो वो पूरी हमने फीडिंग करी है या नहीं उस पर समीक्षा होगी। अब ये दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पूर्वान 11:45 से 12:30 बजे तक, SLWM के विभिन्न घटक IHHL और CSC की प्रगति की समीक्षा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या होगा, जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन है इनके अंतर्गत SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न घटक, जैसे जो हमने सोखते गड्ढे ये सब देखे थे और CSC जो हम कम्युनिटी टॉयलेट बना रहे थे सामुदायिक शौचालय, तो उनमें सभी बन चुके हैं या नहीं और नहीं बने तो क्या कारण है, तो उस पर प्रगति की समीक्षा। योजना के विभिन्न घटकों में SBM मद में किए गए व्यय की समीक्षा, यदि कहीं कन्वर्जेंस भी है मिलाकर भी SBM को किया है तो उसके मद में क्या क्या व्यय हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। एक जो गोवर्धन परियोजना रहती है, गोवर्धन उपयोजना, उसकी प्रगति की समीक्षा। फिर पांचवें नंबर पे दोस्तों राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, अपराह्न 12:30 से 1 बजे तक, दिनांक 12 अगस्त 2021 को जिलों द्वारा समुदाय को जारी राशि का विवरण, ठीक है, 12/8/2021 को जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सभी जगह राशि वितरित की गई है, तो उसका पूरा विवरण बताया जाना है 12/8/2021 को जो वितरित हुई है उसका। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण वितरण की प्रगति, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं स्वयं सहायता समूह, उनको बैंक ऋण जो मिलता है उसके वितरण कितने हो चुके हैं उसकी प्रगति के संबंध में, बैंक सखियों की कितनी तैनाती हुई है उसके संबंध में, रोजगार मेलों के आयोजन की जानकारी वर्ष 2021-22 में कितने रोजगार मेले के आयोजन हुए उसकी जानकारी, VPRP विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, ठीक है, VPRP मतलब विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान की प्रगति एवं प्रविष्टि, ठीक है, पॉवर्टी मतलब जो गरीबी उन्मूलन, जिस पर हम बोलते हैं हिंदी में गरीबी उन्मूलन कार्य पे कितना क्या प्लान बनाया है, क्या प्रगति है उसकी, तो उसी पर VPRP विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान की प्रगति एवं प्रविष्टि। फिर छठवा आएगा दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है, अपराह्न 1 बजे से 1:15 बजे तक, पुराने तालाबों के
पुराने तालाबों के रेजुविनेशन की प्रगति। तो जो पुराने तालाबों को हमने देखा भी था कि कितना उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें हमने क्या क्या प्रगति करी, गहरीकरण क्या किया है, उसको सजाया किस तरह से है, किस तरह से उसकी मरम्मत की है सभी, तो उन सभी तालाबों के संबंध में बातचीत की जाएगी। पुराने तालाबों के रिजुविनेशन के प्रगति के समक्ष के संबंध में। फिर सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिट होता है वो अपराह्न 1:15 बजे से होगा, उसके बारे में समीक्षा। तो उसमें होगा वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, उपरांत दुरुपयोग पाई गई राशि की लंबित वसूली। यदि 2015-16 से 2020-21 तक का जो ऑडिट हुआ है या नहीं, और ऑडिट के उपरांत यदि दुरुपयोग वाली राशि कोई पाई गई है तो उसकी लंबित वसूली कितनी है, वो उसके संबंध। तो ये दोस्तों मेन पॉइंट है, ये पूरी जो वीसी के महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इस तरह से पूरा देख सकते हैं और इस अनुसार अपनी पूरी तैयारी करके रखें। तो जैसे भी आपसे पूछा जाए तो आप पूरी जानकारी के साथ तैयार रहें, और यदि इनमें से कोई सा काम आपने नहीं किया है तो उस कार्य को जल्दी जल्दी कर लें, जिससे कि आपकी जिले की ग्रेडिंग भी अच्छी रहे और आपकी पंचायत की ग्रेडिंग भी हमेशा अच्छी रहे। ठीक है, तो ये पूरे दोस्तों टॉपिक्स हैं इसके एजेंडे के। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो, प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।